कहते हैं कि मुश्किलों से मत घबराओ, क्योंकि ईश्वर मुश्किलें उन्हीं को देकर अजमाता है जिन पर जीत का भरोसा होता है। तो मेरे यूपी बोर्ड के शेरो, जिस समय, जिस पल, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, वो समय और वो पल, वो घड़ी आ चुका है प्यारे बच्चों। अर्थात यूपी बोर्ड का टाइम टेबल का जो डेट है वो घोषित हो चुका है प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में ही बात किया था कि हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है 16 फरवरी से ही स्टार्ट हो जाए, तो वैसा ही हुआ है। आइए हम जान लेते हैं कि आपके साइंस विभाग के जो एग्जाम डेट कब है और कब नहीं है प्यारे बच्चों, कैसे किस टॉपिक पे कब तैयारी करना प्यारे बच्चों, तो चलिए हम जान लेते हैं। जानने से पहले यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आता तो लाइक करके, दोस्तों के पास शेयर जबरदस्त कीजिएगा, जिससे कि सारे दोस्तों के पास, आपके सभी बच्चों के पास, जितने भी यूपी बोर्ड के सभी प्यारे बच्चे हैं, सभी के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला एग्जाम है 16 फरवरी 2023 से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है प्यारे बच्चों, और 16 फरवरी 2023 को दिन बृहस्पतिवार है, और उस दिन आपको हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों एग्जाम होने वाले हैं प्यारे बच्चों। जैसे हिंदी जो होता है वो साइंस विभाग वाले लिए होता है, और सामान्य हिंदी जो होता है वो आर्ट विभाग वाले के लिए होता है। तो जो साइंस लिए है उनको ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि 16/2/2023 को दिन बृहस्पतिवार है और सब्जेक्ट हिंदी का आपको एग्जाम देना है, और यार उस समय 2 से लेके 5:15 तक है, अर्थात समय वही है जैसे कि इससे पिछले सत्र एग्जाम हुआ करता था, तो वही टाइम समय है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं 24/2/2023 को दिन शुक्रवार है, और उस दिन तो आपको अंग्रेजी का एग्जाम देना है प्यारे बच्चों, अर्थात 16 के बाद आपके पास 8 दिन का गैपिंग पड़ने वाला है। तो 8 दिन में आप इंग्लिश को खूब अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। अर्थात 24/2/2023 को शुक्रवार के दिन अंग्रेजी का एग्जाम देना है, समय आपका वही है 2 बजे से लेके 5:15 तक। ठीक, अब अगला है आपको 27/2/2023 दिन सोमवार, उस दिन जीव विज्ञान का भी पेपर है, और उसी दिन आपको गणित का भी एग्जाम देना है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देना। अर्थात 27 तारीख को जीव विज्ञान और गणित दोनों आपके एग्जाम होने हैं। अब हम बात करते हैं 27 के बाद डायरेक्ट मार्च महीने में हम लोग प्रवेश करते हैं, 1/3/2023 यानी 1 मार्च को हमारा जो है एग्जाम है वो बुधवार, और बुधवार को प्यारे बच्चों आप लोगों का सबसे प्यारा सा जो सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, और इस चैनल में, इस चैनल पर जो है जो आपको पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चों, ओनली केवल फिजिक्स पढ़ाई जाती है। तो गाइस जो फिजिक्स का एग्जाम है वो आपको 1 मार्च है, यानी अभी आपके पास टाइम है, और जब तक भौतिक विज्ञान का आपका पेपर नहीं होगा तब तक मेरे द्वारा आपको जो है हर एक मॉडल पेपर, जितना हो सकता है उतना मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग लगातार चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको लगातार कुछ ना कुछ फिजिक्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जिससे कि आपको एग्जाम में आसान हो सके और आप एग्जाम में अच्छा मार्क पा सके। बात करते हैं प्यारे बच्चों 4 तारीख को लास्ट एग्जाम है, और इसी तारीख को एग्जाम समाप्त भी हो जाएगा, दिन शनिवार है, और 4 तारीख को आपको रसायन विज्ञान का पेपर देना है, केमिस्ट्री का एग्जाम देना है प्यारे बच्चों, अर्थात 4 तारीख को आपकी केमिस्ट्री है। तो उम्मीद करते होंगे प्यारे बच्चों को आपको टाइम टेबल का सारा डेट आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और पूरे कक्षा 12 का जो टाइम टेबल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।